हेलो गाइस, गुड इवनिंग. दिस इज सुशांत कुमार भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट मेड इजी. बेटा, एज अभी हम लोग, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं, ये CHSL के लिए स्पेशल चल रहा है. इसमें मैं पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स दूंगा और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस. ठीक है, तो देखिए, बेसिकली इक्वेशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट और सिलेबस में भी जो है वो ग्राफ ऑफ इक्वेशंस है. बट मैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन से पहले बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वेशन तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही. पहले हम लोग इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे. और इक्वेशन डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे इसके डिस्कस, जो ऑलरेडी प्रीवियस इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जैसे CGL हो गया या जो भी और गवर्नमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उसके एग्जामिनेशंस क्वेश्चन पूछे हैं, वैसे क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए, यहाँ आता है बात कि आप सर थ्योरी क्यों. तो बेटा, एक मैं ऑलरेडी हर क्लास में ये बात बोलता हूँ आपसे कि अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है, अगर आप पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है ना, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स या जो भी जितने भी तरीके, शॉर्ट्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन से. ग्राफ ऑफ इक्वेशन में आफ्टर अलजेब्रिक आइडियल, पहले तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ना कि क्या क्या आपका सिलेबस है. देखिए, इक्वेशन आपका है, ठीक है, इक्वेशन में आपका, देखिए, लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपका, ये आप देखो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में आपका लीनियर इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आता है. ठीक है, बट हम लोग यहाँ देखेंगे सिर्फ लीनियर और हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की बात अपन नहीं करेंगे क्योंकि CHSL में क्यूबिक पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. हाँ, आइडेंटिटीज में आपको पूछे जाएंगे, तो देखेंगे उस वक्त. लीनियर, लीनियर में बेटा तीन पार्ट होता है, एक वन वेरिएबल होता है, एक टू वेरिएबल होता है और एक थ्री वेरिएबल होता है. ठीक है, ये हमारा बेसिकली फ्रेम है, ये फ्रेम है आपका कि यही हम लोग को देखना है, यही इक्वेशंस है फिलहाल. चलिए, अब देखिए, आपका सिलेबस में आपको कहता क्या है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपका. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस बंद, ग्राफ जानने से पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण भी हम लोग को पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए, रैखिक समीकरण आपका सिलेबस जो है ये प्लस एक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है, मतलब बीजगणितीय तादाद में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज. और सॉरी, सर्ट्स, ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है हमारे, ये आपका जो है सो अलजेब्रा का सिलेबस है, अलजेब्रा का सिलेबस है ये CHSL का. देखो, अलजेब्रा स्टार्ट करने का है ये बेसिकली. अगर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है पता है, मैंने आपको सर्ट्स भी बताया, इंडाइसेस भी बताया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स कहिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करनी. ठीक है, तो बेसिकली इससे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन उसको हम लोग लास्ट में करेंगे. ठीक है, तो अलजेब्रा का हिंदी जो होता है बीजगणित होता है, मतलब बीज का मतलब क्या होता है, सीड्स, जिसको बिहार में या यूपी साइड में हिंदी भाषी क्षेत्र में बिच्चा भी बोलते हैं. ठीक है, कहीं कहीं बिया भी बोला जाता है. तो मतलब आप समझ लीजिए कि बीजगणित मतलब ये पूरे गणित का जो है ना, ये और अंक गणित, ये दोनों बीजगणित और अंक गणित, ये दोनों जो है ना सो बैकबोन है, बेसिक्स है. तो ये पहले मैंने अलजेब्रा को चूज़ किया, फिर इसके बाद मैं आऊँगा आपका और आपको आ जाऊँगा अरिथमेटिक में या ट्रिगोनेट्री में, ये दोनों जो इजी पार्ट है हम लोग वो पहले कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है हम लोग को जो पार्ट पढ़ना है ये तीनों, तो ये तीनों पार्ट तो चलो ठीक है. मैंने आपको एक चीज़ याद करो, अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग. मैंने आपको एक चर्चा किया था कि अगर पॉलिनोमियल बराबर जीरो हो जाता है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, अगर पॉलिनोमियल जो है बहुपद इतना बराबर कोई जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, तो अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, अब सुनो, ये जो लीनियर है, लीनियर का मतलब एक लाइन, एक लाइन लीनियर का मतलब डिग्री मेरा वन होगा. ठीक है ना, डिग्री सबका मैंने डिफिनेशन लिखा है, इसका डिग्री टू होता है, इसका डिग्री टू होता है और इसका डिग्री थ्री होता है, पावर डिग्री इसका थ्री होता है. ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अपने टॉपिक पे। अब सुनो, पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म क्या होता है भाई? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यही बराबर जीरो अगर हो गया तो हमारा इक्वेशन से ये पॉलिनोमियल है ना, ये मेरा जीरो है, ये इक्वेशन है, ठीक। इसी को ना इक्वेशन कहेंगे, ठीक। जहाँ आपका ये जो ए वन ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या है आपका, इज आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स है। चलो अब एक बात मैं बता दे रहा हूं, इफ एन इज इक्वल टू वन, अगर एन बराबर एक हुआ इसमें इस पार्ट में, तो इफ एन वर वन देन वन इज सेट टू बी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक। अब देखिए रैखिक समीकरण में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है कि एक एक चर का होता है, दो चर का होता है या तीन चर का, वन वेरिएबल टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं एक एक पॉइंट पर, ठीक है। अब एक एक पॉइंट पे सबसे पहले तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, सुनिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब जो बेसिक नॉलेज होता है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल क्या है, मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के फॉर्म में जो है, जहाँ ए और बी ये जो पार्ट है ना लिखा हुआ, ये इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, मतलब ए और बी जो है सो रियल नंबर है, ये आर रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। ए जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तब तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ कोई इक्वेशन तो रहेगा नहीं, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी इक्वेशन किसको कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन किसको कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं कि ट्रू जो सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो, मतलब इसमें से देखिए तो थ्री एक्स ये तो आइडेंटिटी ही है ना एक तरह से, ये तो आइडेंटिटी मतलब एक्स बराबर एक्स ये हर एक के लिए सही है ना, एक्स का कोई भी वैल्यू है उसके लिए सही है। अब सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सुन, सॉल्यूशन सेट में क्या होता है कि जितने भी वैल्यू एक्स का जितना भी वैल्यू होगा उस जो दिया हुआ समीकरण है, मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। मतलब अगर ये इक्वेशन हमारे पास है, देख लीजिए, द सॉल्यूशन सेट इज ऑल रियल नंबर सिंस फॉर एनी रियल नंबर फॉर एक्स द गिवन इक्वेशन इज ट्रू, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये सही है, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये सही है मेरा, है ना। अब आ जाइए, अब एक आता है बेटा कंडीशनल, ठीक है, प्रतिबंधित समीकरण, ठीक। मतलब प्रतिबंधित समीकरण क्या होता है कि ये एक्स के कोई खास वैल्यू के लिए सत्य हो, ठीक है, मतलब एक्स का कोई एक खास वैल्यू होगा, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ, ये इसमें से आपको जो है सो सिर्फ एक्स बराबर माइनस टू के लिए ही ये पॉसिबल है, एक्स बराबर का माइनस टू होगा तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इनकंसिस्टेंट की ही बात करेंगे। मतलब इसका जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा किसी इक्वेशन का, जैसे इसका, अब देख लीजिए 4x माइनस 14 बराबर 4x माइनस 20, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, x ही कैंसिल हो जा रहा है आपका, x ही कैंसिल हो जा रहा है, इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक। अब देखिए, अब जो आता है, अब जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन आपने कहा कि सॉल्यूशन तो सर क्या होगा एक वेरिएबल का, बेटा ए एक्स बराबर बी है, ये आप लोग ऑलरेडी पता है, बेसिक्स मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की भी क्लास रखी है, कि अगर मल्टीप्लाई में है ए एक्स प्लस बी अगर हुआ तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई ए, लेकिन अगर ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के फॉर्मेट में रहा तो पहले ए एक्स बराबर कितना होगा बेटा, माइनस बी, फिर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए,
ये होगा मेरा एक्स का वैल्यू और ये होगा मेरा एक्स का वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्व होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स एक्स एंड वाई, मतलब टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल है ना, टू वेरिएबल की चर्चा करी है मैंने, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का फॉर्मेट पहले देख लीजिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये जो होता है इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस फॉर्मेट में रहेगा। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल रहेगा तो सिर्फ नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने होंगे, एक। अगर टू वेरिएबल होगा तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने होंगे, दो। अगर तीन वेरिएबल होगा तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने होंगे, तीन, ठीक है। जितना वेरिएबल उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा भाई, एक्स बराबर और वाई बराबर दो वैल्यू आएगा ना, ये दो वैल्यू आएगा, अब जो भी एक्स नॉट वाई नॉट जो भी हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे, मतलब जो एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता हो, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों को सेटिस्फाई कराता हो, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब आ जाओ मेथड ऑफ सॉल्यूशन। बेटा मेथड ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली तीन है, एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, और तीसरा जो है आपका मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब इसका हिंदी क्या होता है पता है आपको, विलोपन विधि। अब आप पूछेंगे कि सर आपने जो है सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बताया, बेटा सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनता, उतना लॉन्ग हम लोगों को करना नहीं है। तो मैंने सीधा सीधी लिया है मेथड ऑफ सॉल्यूशन में मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है वो देखो, मतलब हम किसी एक इक्वेशन को ना खत्म करते हैं, जैसे जैसे ये देखो इसमें हमने एक टारगेट किया, मुझे मैंने कहा कि एलिमिनेट करना मुझे एक्स को, कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसमें सात से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिख लो कितना होगा बेटा, दोनों साइड में होता, अगर यहाँ पे सात मैंने लिखा तो इसका मतलब दोनों साइड, मतलब सेवन एक्स प्लस 28y इजिकल टू 98, 1498। ये आपका दिया हुआ 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, साइन चेंज कर दो कैंसिल हो जाएगा, 28 3 31y इज इक्वल टू 93 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y बराबर, फिर से ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, 93/31 बराबर 3, y का वैल्यू 3। अब y का वैल्यू 3 है ना, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 7x माइनस 3 × 3 इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 5। दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लाइज x बराबर 2। ये मेरा आंसर। अब मतलब x और y का ऐसे लिख लो ऑर्डर पेयर में, क्योंकि मैं आपको सिखलाऊंगा थोड़ा कोऑर्डिनेट भी सिखलाऊंगा, क्योंकि ग्राफ में कोऑर्डिनेट जानना जरूरी है, 2 और 3। ये मेरा आंसर हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं पहले आपको बता दूं, 2 और 3 लिखा हुआ रहेगा अगर ब्रैकेट में तो दिस इज नॉट इक्वल टू 3 और 2। ये ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाइए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा इक्वेशन तो वही है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ये दो मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। इस केस में आप ये गौर कर लीजिएगा, यह मेरा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलती है, मैंने ये तरीका आपको बता दिया, ठीक है, ये आप देख लो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि जैसे एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखिए कंडीशन में तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट होगा, एक एक इनकंसिस्टेंट होगा और एक कंसिस्टेंट। मतलब कोई भी इक्वेशन का या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, या कोई सॉल्यूशन नहीं या बहुत सारे सॉल्यूशन। तो ये केस ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होता है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू है, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक, और उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक।
अगर ऐसा होता है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, मतलब नो सॉल्यूशन। अब अगर तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको भी हम कहेंगे, मतलब सॉल्यूशन जहाँ भी आएगा उसको कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो उसको इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, इस ये इक्वेशन मैंने बनाया है, आपको इसे नहीं बनाना है, आपको इसे बनाना नहीं है। ठीक है, हम लोग इतना दिमाग नहीं चलाना है कि हाँ भाई इतना हम लोगों को करना है। जैसे देखो, एक इक्वेशन मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ, एक नॉर्मल नॉर्मल सा इक्वेशन है, जैसे इस टाइप का इक्वेशन आपके पास आएगा, मान जाए एक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन मैंने टाइप कर रखा है, परेशान ना हो, टाइप मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ। मान जाए 2x+7 अपॉन, कभी कभी ना बेटा याद करो कि मैंने इंडाइसेज में, मतलब घातांक एवं गुणनखंड में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी बनाया था, वो भी इक्वेशन का ही पार्ट है, उस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आज एक करता हूँ आपके सामने। -3x+11/2 इज इक्वल टू 2x+8/3 -5, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपसे इसने बोला कि भाई इसका मुझे सॉल्यूशन दो, एक्स का इसमें क्या होगा वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधी एलसीएम लीजिए, कितना होगा बेटा 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 × 2x+7 -5 × 3x+11 इज इक्वल टू, यहाँ 3 LCM होगा, 2x+8 -15 हो जाएगा, मतलब 4x+14 -15x -55/10 इज इक्वल टू 2x-7/3, मतलब -11x-31/10। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 2x-7/3, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -33x-93/20x-70, मतलब दिस इम्प्लाइज -53x-53x इज इक्वल टू, ये कितना है, -15 हो जाएगा ना, -7 -70 23, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, एक मिनट, 2x-15x-55, ठीक है, 4x-11x-31 -11x-41 होगा ना बेटा, ये 41 होगा, मुझे लग रहा था कि कुछ गलती मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 41 होगा, तो ये 41 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 41 अगर होता है तो चते 12 120, 123, तो इधर अगर जाएगा तो 123 -70, मतलब दिस इम्प्लाइज -53x इज इक्वल टू 53, इम्प्लाइज एक्स बराबर कितना, -1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो, अब एक क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अब एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा, जानते हैं कैसा, ऐसा देखिए, बस ये देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा, मान लीजिए मैंने कहा 2 to the power 2x-y, ठीक, इज इक्वल टू 16, और 2 to the power x+y इज इक्वल टू आपके पास दे दिया, मान लीजिए जाए 32, आपसे कहा कि एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले तो हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा, तो एक्स वाई निकालने के लिए बेटा एक बात बताओ, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2x-y इज इक्वल टू 4, ये हमने इंडाइसेज में किया है घातांक में, ये 2 to the power x+y = 32, मतलब 2 to the power 5 इम्प्लाइज x+y = 5, मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 3x = 9 आएगा, इम्प्लाइज x = 3, x = 3 तो y = 2, तो xy = कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 2 = 6, 6 आंसर, सिंपल साधारण सा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आज का थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा ये, सिर्फ छोटा सा है,
बनाने से पहले बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, थोड़ा सा ना आप डिटरमिनेंट्स का भी मतलब, या डिटरमिनेंट्स नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब बाकी ये जो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस है ना, ये देखो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं आपको, मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस मतलब 19-20 क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, देख लो आप, 19-20 क्वेश्चंस हैं इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस कम है, क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, ठीक। तो आप देखिए क्वेश्चंस मैंने दिया है लगभग 19 क्वेश्चंस मैंने इसमें किया है, तो ये 19 क्वेश्चन जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस 19 क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये 19 का 19 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन मैं फुल आपको डिस्कशन करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आपके लिए फर्स्ट क्लास जो आज लीनियर इक्वेशन का है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा थियोरिटिकल कंसेप्ट होगा। थ्योरी अगर क्लियर भाई, थ्योरी है जरूरी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।